हेलो गाइज, आई एम सानी। और आज बिग बॉस के हाउस में जो हुआ वो मतलब इतना ज़्यादा अलग, सीरियस और बिल्कुल नया देखने को मिला है कि मैंने आज तो वीडियो बना ही दी। अंकिता का बहुत ही डाउनफॉल देखने को मिला। अंकिता और विक्की अभी भी लड़ रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। मुनव्वर मनारा की जो फाइट्स थी और मनारा की स्पेशली फाइट्स, और जैसे वो आज पूरे शो उन्हीं पर बेस्ड था, और वो जैसे सबसे लड़ भी रही थी और वो अपना दिमाग भी चला रही थी। उनको बोलना भी बहुत अच्छा आता है, और बाबू भैया को जिस तरह से समर्थ मैनिपुलेट कर रहा था, लेकिन मनारा ने नहीं होने दिया। यार समर्थ कौन होता है बीच में बोलने वाला? समर्थ ने बाबू भैया की शिकायत जाके करी है दिमाग वाले कमरे में। यार ये बंदा लिटरली बहुत बेकार लगा मुझे पर्सनली। ये चीज़ ना नहीं करनी चाहिए, जाकर इधर की बात उधर कर रहा है, और मतलब फालतू में बाबू भैया का दिमाग ख़राब किया। और वहीं पर खानजादी को जब पता चला कि मनारा ने हेल्प की है बाबू भैया की खाना वगैरह देने में, तो वो भी अलग ही लेवल का शुरू हो गई। और वो जाकर जानबूझ के इस बात को बढ़ा रही थी, वो अलग बात है कि हाँ मनारा का नाम बीच में नहीं आ पाया। जिग्ना जी और रिंकू जी को कन्फ्रंट बहुत अच्छे से किया मनारा ने, उन दोनों ने उससे नॉमिनेट किया। वहीं पर खानजादी को नॉमिनेट करना चाहिए था, मुझे भी यही लगता है। यार तुम लोग बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि मनारा को नॉमिनेट करना चाहिए था या फिर खानजादी को? क्योंकि मनारा का नॉमिनेट होना, चलो वो नॉमिनेट हुई तो दिख रही है उसने अपनी नई साइड दिखाई है कि हाँ देखो मैं लड़ भी सकती हूँ, मैं ड्रामा भी कर सकती हूँ, और उसे चुप करवाना तो बहुत अच्छे से आता है गाइज। ये चीज़ लगी। अंकिता और मुनव्वर की कॉन्वर्जेशन भी काफ़ी मीनिंगफुल थी। मुनव्वर ने कैसे समझाया अंकिता को कि अब उसे अपफ्रंट होकर खेलना चाहिए और ये रिश्ते और इन सब चीज़ों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अंकिता के लिए बहुत शॉकिंग था ईशा का उसको नॉमिनेट करना। और किसी के भी घर में किसी से भी नहीं बन रही है। दिल वाले अलग लड़ते रहते हैं, दिमाग वाले अलग लड़ते रहते हैं, और दम वालों के बीच में तो बिल्कुल नहीं बनती है। समर्थ तो बिल्कुल उनका सपोर्ट नहीं करता है। सो लिटरली ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ चुकी है। और आज का जो एपिसोड था मनारा के ऊपर बेस्ड हुआ, वो बहुत सही था। मुनव्वर और मनारा की अगर मैं लास्टली बात करूं, क्योंकि मुझे पता है मेनली आपको इसी पर टिप्पणी सुननी होगी अभी, वेल सॉरी बुलवाना सबके सामने मुझे एक लेवल तक सही लगा, क्योंकि मुनव्वर ने सबके सामने ही उन दोनों को वो जो टास्क हुआ था ब्रेकिंग न्यूज़ वाला, दोनों के बारे में ऐसी बात बोली कि वो लड़ने लग गए। और इसीलिए इस चीज़ को पब्लिकली सबके सामने आकर क्लैरिफाई करना मुझे बहुत जस्टिफाइड लगा। हाँ थोड़ा मनारा ने ओवर रिएक्ट किया उसके ऊपर, जो उसे नहीं करना चाहिए था, बट और मुनव्वर ने जिस तरह से इस चीज़ को हैंडल की ना, उसकी बात मान गया, लिटरली वेरी वेल प्लेड मुनव्वर। और अब तो वो फ्रंट फुट पे खेल रहा है, उसकी लड़ाइयाँ भी हो रही है, घर घर राशन चोरी होने वाले टास्क पर वो बहुत अच्छा खेला है। अब कल टास्क होने वाला है रोस्टिंग का, जिसमें OTT वर्सेस TV वाले आपस में रोस्टिंग करने वाले हैं। इसमें बता रहे हैं कि एक एक करके जाके एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं, तो सच में बहुत मज़ा आने वाला है। और वन लाइनर्स में तो मुझे लगता है यूट्यूब वाले ही जीतेंगे, क्योंकि यूट्यूब वालों का बहुत ही ज़्यादा उसमें मतलब कहते हैं ना, वन लाइनर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं उनके। तो देखते हैं कल क्या होता है। आप बताओ इस हफ्ते कौन नॉमिनेट होना चाहिए? इतने सारे सदस्य आज इस बार नॉमिनेटेड है, जिसमें सना भी बची हुई है, तो बहुत चिल मज़े मार रही है। बाबू भैया ने फिर से अपनी बेइज्जती करवाई ली है, पता नहीं बाबू भैया और मनारा की दोस्ती आउट ऑफ नोवेयर कहाँ से हो रही, क्योंकि दोनों वैसे एक जैसे ही हैं, बट मनारा फिर भी दिमाग वाली है, उसको आता है रिप्रेजेंट करना अपने आप को। बाबू भैया को सीखने की ज़रूरत है। तहल का भाई अच्छा खेल रहा है, अरुण का भी सही चल रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और कौन नॉमिनेट होता है। आपको क्या लगता है कौन नॉमिनेट हो सकता है? मुझे लगता है इस बार बाबू भैया के चांसेस ज़्यादा हैं। वाइल्ड कार्ड आने की भी र्यूमर्स हो रहे हैं, क्या ये र्यूमर्स सही है या गलत है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और बिग बॉस में किसको सपोर्ट करते हो ये भी। दैट वॉज इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब कर लो ताकि नई जो भी डिकोडिंग हो मैं आपको बता सकूँ। बाय।